अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि पत्ते सिर्फ पेड़ों पर सुरक्षित रहते हैं। टूटे हुए पत्तों को अक्सर जला दिया जाता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रिश्ते इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं। तार गलत जुड़ जाएं तो जिंदगी भर झटके, और अगर सही जुड़ जाएं तो आपका पूरा जीवन प्रकाशमान। सबसे सुंदर रिश्ता दो आंखों का होता है। जिंदगी भर एक दूसरे को देखे बिना एक साथ खुलती है और एक साथ ही बंद होती है। एक साथ रोती है और एक साथ सोती है हमेशा। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, लेकिन रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। आज इंसान मदद करने से पहले भी अपना पराया देखता है, क्योंकि वो भूल चुका है कि पहला रिश्ता इंसान का इंसान से है। रिश्तों की पहली शर्त इज्जत होती है। जो इज्जत नहीं दे सकते वो रिश्ते नहीं निभा सकते। मोहब्बत ढूंढने वालों को नहीं मिलती, बांटने वालों को मिलती है। रिश्तों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि भूल जाने से तो हाथ से लगाए गए वृक्ष भी सूख जाते हैं। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जब रिश्ते को बचाने की कोशिश एक तरफा होने लग जाए तो उस रिश्ते से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर होता है। नए रिश्ते ना बन पाए तो मलाल मत करना, बस पुराने ना टूट जाए इतना ख्याल रखना। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक इंतजार करता रहता है और दूसरे को फिक्र नहीं होती। रिश्तों के लिए वक्त निकालो, वरना वक्त इन्हीं रिश्तों को हमारे बीच से निकाल देगा। अगर दो व्यक्ति के बीच कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। अहम दिखाकर रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाएं जो आई और गई, बल्कि रिश्ते को ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन वे ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया। नाता वो नहीं जिसमें रोज बात हो, नाता वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो, नाता वो है जिसमें कितनी भी दूरियां हो पर हमेशा उनकी याद हो। सच्चे नाते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। वो रिश्ते कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बात में आके तोड़ दिए जाते हैं। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। रिश्ते मौके के नहीं भरोसे के मोहताज होते हैं। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। कुछ रिश्ते किराए के घर जैसे होते हैं, जितना भी मर्जी सजा लीजिए कभी अपने नहीं होते। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। रिश्ते और विश्वास दोनों ही मित्र हैं। रिश्ते रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना। जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे, अच्छे स्वभाव से ही जीवन भर टिकेंगे। बहुत खूबसूरत होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। तीन रिश्ते तीन वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं, पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में, और दोस्त मुसीबत में। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते,
और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना चाहिए, चाहे दोस्ती हो, परिवार हो या अपना मुल्क हो। अगर कोई आपको याद नहीं कर पाता तो आप कर लीजिए, रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, और जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए।